नमस्कार मेरे बच्चों, अब एक नेक्स्ट लेक्चर आज का और है, ठीक है। टाइट्रेशन हमारा चल रहा था टॉपिक। टाइट्रेशन क्या होता है बेटा? डिटरमिनेशन ऑफ सैंपल बाय यूजिंग नॉन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और बिगेन से डिटरमिनेशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय यूजिंग नॉन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें हमने देखा था पिछली क्लास में कि जैसे ये ब्यूरेट स्टैंड बनाया हमने और इसमें कॉनिकल फ्लास्क है, तो ये हमारा एनालाइट था, है ना। और दूसरा इसी का नाम हमने क्या बोला था बेटा? हाँ, टाइप ट्रेट, ठीक है। और यहाँ पे हाँ ब्यूरेट भी है, इमेजिन करते रहो बस, ठीक है। तो ये जो एनालाइट है, ये जो सैंपल है, ये जो टाइट्रेट है, ये अननोन कंसंट्रेशन का है, नॉन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है ना। और ये जो ऊपर का सॉल्यूशन है, बोले तो ब्यूरेट स्टैंड के अंदर है, ये ब्यूरेट फिल है, सॉरी, जो ब्यूरेट के अंदर सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को हमने क्या बोला था बेटा? हाँ, रिवाइज करो, याद करो, उसको हमने बोला था टाई टाइट्रेंट। क्या बोला था? तो टाइट्रेंट वो सॉल्यूशन होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन हमें नॉन रहती है। क्या रहती है मेरे बच्चों? नॉन रहती है ना। अब आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइट्रेंट। क्या पढ़ेंगे? टाइट्रेंट। टाइट्रेंट क्या होते हैं? नॉन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, है ना, जिसकी कंसंट्रेशन हमें नॉन रहती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप ऑफ टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन। हमने पिछली क्लास में देखा था, पहला क्या था बेटा? हाँ, वॉल्यूमेट्रिक चल रहा है ये, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन। वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन है ना। इसमें पहला था एसिड बेस टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन। दूसरा कौन सा था बेटा? नॉन इन टाइट्रेशंस में इंडिकेटर कौन कौन से यूज की करेंगे हम, वो हमने पहले पढ़ लिया था। अब हम ये पढ़ेंगे कि इन टाइट्रेशंस में सॉल्वेंट, और हम ऐसा बोल सकते हैं कि इनमें टाइट्रेंट हम कौन सा यूज करेंगे। क्या मेरे बच्चों? टाइट्रेंट हम कौन सा यूज करेंगे इन सभी टाइट्रेशंस में, समझ में? टाइट्रेंट यूज इन एसिड बेस टाइट्रेशन, ठीक। एसिड बेस टाइट्रेशन में कौन कौन से टाइट्रेंट यूज किए जाते हैं, ठीक। तो इसमें पहला होगा हमारा, ए बना लेते हैं पहले को, ए होगा HCl, बोले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बी होगा NaOH। NaOH क्या? हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सी होगा H2SO4। चौथा कौन सा? तीसरा कौन सा होगा बेटा? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब दूसरी टाइट्रेशन कौन सी होगी? दूसरी टाइट्रेशन होगी नॉन एक्वस टाइट्रेशन। इसमें बहुत सारे टाइट्रेंट्स यूज करेंगे हम, बहुत अलग अलग होंगे, लेकिन जो कॉमन यूज किया जाता है, जो पॉपुलर है, उसका नाम है, क्या नाम है उसका? नाम है तवाह, तवाह। क्या है मेरे बच्चों? तवाह, टेट्रा
ब्यूटाइल, हाँ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? नॉन एक्वस टाइट्रेशन में कौन सा टाइट्रेट यूज किया जाता है? हाँ, ये इसमें भी मेंशन कर लेना, टाइट्रेट यूज इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन। टाइट्रेट कौन सा होगा इसमें? एक ही है, ए वाला होगा। टेट्राब्यूटाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तबाह है ना, तबाह। तबाह एक टाइट्रेट है जो यूज करते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन। और भी सॉल्वेंट यूज करेंगे हम, वो जब इनके टॉपिक्स आएंगे ना बेटा, इनकी यूनिट आएगी तो हम और इन्हें फर्दर डिस्कस करेंगे। तीसरी हमारी टाइट्रेशन है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में कौन सा टाइट्रेट यूज किया जाता है? जो यूज किया जाता है उसका नाम है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक, चौथी हमारी टाइट्रेशन है कॉम्प्लेक्सो मैट्रिक टाइट्रेशन, जिसमें कि टाइट्रेट यूज किया जाता है, जिसमें कि टाइट्रेट यूज किया जाता है सिल्वर की जगह आप कर दो लेड, है ना, क्या लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट है, नाइट्रेट है जो यूज किया जाता है किसमें मेरे बच्चों? किसमें? कॉम्प्लेक्स मेट्रिकेशन। ठीक है, क्विक रिवीजन करो जल्दी से। टाइट्रेट यूज इन एसिड बेस, एसिड बेस टाइट्रेशन में कौन कौन से टाइट्रेट यूज किए जाते हैं? HCl, NaOH, H2SO4। इसके बाद नॉन एक्वस टाइट्रेशन है, इसमें कौन से टाइट्रेट यूज किए जाते हैं? एक एग्जांपल हमने टेट्रा ब्यूटाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड TBAH, तवा। इसके बाद प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन में सिल्वर नाइट्रेट। इसका कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में है लेड नाइट्रेट। चौथे नंबर पे हमारी है रेडॉक्स, इसको ऐसा लिखेंगे हम कि टाइट्रेन यूज्ड इन रेडॉक्स टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन। रेडॉक्स इंडिकेटर भी पढ़े थे हमने, हाँ वैसे ही है रेडॉक्स टाइट्रेशन। रेडॉक्स टाइट्रेशन बेटा यहाँ पे देखो, इंडिकेटर में सभी इंडिकेटर इंपोर्टेंट थे, इस वाले केस में हम टाइट्रेट सिर्फ दो टाइट्रेशन के याद रखेंगे, पहली है एसिड बेस टाइट्रेशन और दूसरी हमारी है रेडॉक्स टाइट्रेशन। ठीक है, एसिड बेस और रेडॉक्स टाइट्रेशन के टाइट्रेट ही हमें याद रखने हैं, बाकी ये दो के याद अगर हो जाए तो अच्छा है, नहीं हो तो वो भी अच्छा है। ठीक है, तो पहला हमारा टाइट्रेट है, हाँ हैविटी है पहला बनाने के, है ना। ठीक है, पहला है सेरिक, सी है सेरिक अमोनियम, सेरिक अमोनियम सल्फेट। क्या है मेरे बच्चों? सेरिक अमोनियम सल्फेट। दूसरा हमारा टाइट्रेंट है बी वाला, इसका नाम है कमीना, कमीना ऑक्स। क्या नाम है? कमीना ऑक्स, KMNO, कमीनो है ना, और ऑक्स। दूसरा कौन सा है? ऑक्स, कमीना ऑक्स, रेडॉक्स कमीना ऑक्स। ठीक है, और चौथा एक और रख लो, डी होगा सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायो सल्फेट। ठीक है, और ऑक्स मतलब होगा ऑक्सैलिक एसिड, और कमीना बोले तो पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट, ऑक्सैलिक एसिड और सोडियम थायोसल्फेट। सेरिक अमोनियम सल्फेट की जगह एक सेरिक अमोनियम नाइट्रेट भी होगा, है ना। ए बी सी डी और ई जो हमारा
पांचवा वाला एग्जाम्पल है वो होगा सेरिक अमोनियम सल्फेट की जगह क्या कर दो मेरे बच्चों, नाइट्रेट। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट अगर आप बना दोगे तो ये हमारे पांच एग्जाम्पल हो जाएंगे टाइट्रेट यूज्ड इन रेडॉक्स टाइट्रेशन। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन जेड लगा लो जेसन ऑफ टाइट्रेंट्स यूज्ड इन एसिड बेस टाइट्रेशन। ठीक, अब आप बताओ मेरे बच्चों एसिड बेस टाइट्रेशन में हमने कौन कौन से टाइट्रेंट यूज किए थे। पहला कौन सा था पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा कौन सा था, दूसरा था सोडियम हाइड्रोक्साइड, और तीसरा टाइट्रेंट कौन सा है, हाँ तीसरा बताओ, हाँ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, ये तीन टाइट्रेट यूज किए थे। अब हम इन तीनों की प्रिपरेशन देखेंगे कि इन्हें कैसे बनाना है और कैसे इन्हें स्टैंडर्डाइज करना है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ, हम मोलर सोल्यूशन बनाएंगे इनके, वन मोलर बनाएंगे। ठीक, आप प्रिपरेशन ऑफ, पहला है हमारा क्या प्रिपेयर करना है, वन मोलर HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या 0.1 मोलर बना लो, 0.1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वन मोलर बना लेंगे तो 0.1 भी बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्या करना रहता है, मोलरिटी, मोलर बनाने के लिए हमें मोलरिटी की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी मेरे बच्चों। मोलरिटी की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा था, हाँ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हाँ प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। मतलब इसके बाद हमने पढ़ा था, पहले हम इसी को लिख ले रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml सॉल्यूशन, यही है डेफिनेशन किसकी, मोलरिटी की। तो इसको हम ऐसा देखेंगे कि एक मोल को आप ऐसा समझ लो, एक मोल पिछली क्लास में पढ़ा था, एक मोल मीन्स हाँ मोलिकुलर मास या मोलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड जितना मोलिकुलर वेट है कंपाउंड का उतना हमें डिजोल्व करना है किसमें, हाँ सॉल्वेंट में, इस सॉल्यूट को डिजोल्व करना सॉल्वेंट में कितना, ताकि ये हाँ 1000 ml सॉल्यूशन बन पाए, यही था। ठीक है, अब मान लो HCl की अगर हम बात कर लें तो HCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है मेरे बच्चों, हाँ Cl में कितना होता है, 35.4 कुछ होगा, 4 6। ठीक, और H का कितना होता है, 1, तो टोटल मिला के हो जाएगा 36.46 या 48 कुछ होगा ग्राम, है ना, पर मोल, ये होता है ग्राम पर मोल। तो 36 ग्राम सोल्यूट, अरे ये एटॉमिक मास है Cl का और ये एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का, दोनों, ठीक है, दोनों के एटॉमिक मास हमने ऐड किए तब जाके मॉलिक्यूल का वेट बना, ये मॉलिक्यूल है ना, इसमें दो एटम है, मॉलिक्यूल का वेट कितना, 36, ये ना, तो 36 ग्राम, 36.4 ग्राम को अगर हम डिजोल्व करेंगे और एक सॉल्यूशन बनाएं कितने ml का, 1000 ml का, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे वन मोलर।
चलो, मैंने आपको ये बताया है कि अगर हम 36 ग्राम या 36.46 ग्राम ग्राम क्या HCl HCl डिसॉल्व करें, ग्राम में बेटा ये ml में नहीं, किसमें है, ग्राम में, सॉल्यूट में, सॉल्यूट को डिसॉल्व करें सॉल्वेंट में, ताकि सॉल्यूशन बन पाए, ताकि सॉल्यूशन बन पाए, कितना 1000 ml सॉल्यूशन, ठीक। तो 36 ग्राम को अगर हम 1000 ml सॉल्यूशन बना रहे हैं तो वो बन रहा है 1 मोलर। अब अपने कितना बनाना है 0.1। तो ये देखो ऐसा सोच लो, ऐसा समझ लो, एक मिनट ऐसा कर लेना अपने अपनी कॉपी में 1000 ml क्या बन रहा है 1 मोलर, इसको डिवाइड कर दो 10 से तो ये हो जाएगा 0.1 मोलर, ठीक। 1000 ml वही है, और इसको भी डिवाइड कर दो 10 से, दोनों को 10 से डिवाइड कर दिया तो दोनों कंसंट्रेशन जब कटेंगी दोनों इक्वली हो गया ना, तो जब इसको 10 से डिवाइड करेंगे 0.1 और इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.6 ग्राम। 3.6 ग्राम को अगर आप 1000 ml सॉल्यूशन बनाते हो तो वो बनेगा 0.1 मोलर ऑफ HCl। HCl तो लिक्विड होता है, उसको 36 ग्राम कैसे बना लेंगे, देखो मान कितने में 1000 ml, तभी तो 1 मोलर बनेगा। इसके लिए आप ऐसा करना कि पहले जो भी आप कंटेनर, जिस कंटेनर में से आप HCl ले रहे हो उस पर लेवल देखना, उस लेवल पे लिखा होगा कुछ भी ऐसा है कि 35 ग्राम या 36 ग्राम वेट बाय वेट, मतलब ये है कि ये परसेंट किसका होता है, मैंने पिछली क्लास में बताया था सॉल्यूट का, वो किसमें लिया है ग्राम में, और सॉल्वेंट किसमें लिया है ग्राम में, रिमेनिंग सॉल्वेंट्स है मतलब नहीं है, ये भी किसमें है ग्राम में। तो 36 वेट बाय वेट ग्राम सॉल्यूशन का मतलब, परसेंट का मतलब 100, तो 100 अगर आपने 100 ग्राम लिया जो सॉल्यूशन है HCl का, उसका अगर आपने 100 ग्राम अगर HCl आपने लिया है कंटेनर में, किसी कंटेनर में अगर आपने 100 ग्राम लिया है तो उसके अंदर 36 ग्राम क्या होगा HCl, 36 ग्राम क्या होगा मेरे बच्चू HCl, और रिमेनिंग बचा हुआ क्या होगा सॉल्वेंट उसका, हाँ सॉल्वेंट कर लो, सॉल्वेंट बचा हुआ क्या है सॉल्वेंट। तो अगर आपने ऐसा मत सोच लेना कि आप HCl को डायरेक्ट ले लिया और वो आपने जैसे मान लो 36 ग्राम ले लिया, 36 ग्राम ले लिया इसका मतलब ये नहीं वो 36 ग्राम ही है, ये उसकी कंसंट्रेशन आप पहले देखना कि कितनी कंसंट्रेशन, मान लो 36% है या 40%, उसको डिवाइड कर 36 ग्राम, देखो 100 ml में 100 ग्राम में कितना है 36 ग्राम, देखो 100 ग्राम में कितना है 36 ग्राम, अब आपको कितना लेना पड़ेगा भाई, आपको तो कितना लेना है 36 ग्राम चाहिए ना, तो आप ऐसा मत लेना 36 ग्राम ले लिया, आपको कितना लेना पड़ेगा, हाँ 100 ग्राम लेना पड़ेगा, 100 ग्राम लोगे तो कितना आएगा 36 ग्राम, 36 मतलब 100 ग्राम को डिसॉल्व करो 1000 ml में सॉल्यूशन बनाओ, 1000 ml का अप टू 1000 ml सॉल्यूशन, तो बनेगा जी बन रहा। स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करेंगे हम, अब ये तो एसिड है, कौन HCl, HCl क्या है एसिड, एसिड की टाइट्रेशन, एसिड बेस के एसिड बेस के टाइट्रेंट पढ़े ना, तो इसको स्टैंडर्डाइज कर, स्टैंडर्डाइज मतलब समझ रहे हो आप, नहीं समझे, इसका मतलब ये है कि आपने मान लो 0.1 मोलर HCl आपने बना लिया, लेकिन क्या गारंटी है कि 0.1 मोलर ही है, समझ में आ रहा है, तो आप वो चेक करेंगे कि ये 0.1 मोलर है या नहीं है, नहीं होगा ये एग्जैक्ट नहीं होगा, थोड़ा सा उसमें डेविएशन होगी है ना, थोड़ी सी डेविएशन होगी, थोड़ा ज्यादा है कम कंसंट्रेशन का होगा, तो हम चेक करेंगे कितनी कंसंट्रेशन कम या ज्यादा है, ठीक है समझ में आ रहा है आपको, हाँ बस उसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। तो एसिड का स्टैंडर्डाइजेशन किससे करेंगे, बेस से,
एसिड को किससे न्यूट्रलाइज करेंगे, बेस से। तो किसी नॉन कंसेंट्रेशन वाले बेस से हम पहले HCl को स्टेबलाइज करेंगे, ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे HCl का यूज करेंगे। तो इसको स्टेबलाइज करते हैं हम सोडियम कार्बोनेट से, किससे, Na2CO3 से, ठीक है, कर लो, प्रिंसिपल बना लो इसका भी, प्रिंसिपल बना लो, देखो Na2CO3 प्लस HCl क्या बनेगा, देखो अब यहां पे Na2 है, अब Na2 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब ये टूटेगा तो इसमें से 2 Na निकलेंगे और CO3 पे 2- लगेगा, है ना, इस पे 2+ लगेगा, इस पे 2- लगेगा, मतलब यहां पे कितना हाइड्रोजन चाहिए हमें, 2, और 2Cl चाहिए, है ना, तो 2HCl चाहिए, दो मोल किसके चाहिए, हाँ HCl के। देखो यहां ये समझ में आ रहा है कि 1 मोल सोडियम कार्बोनेट इज इक्विवेलेंट टू 2 मोल ऑफ HCl, ठीक है, ये 1 मोल ये इस 2 मोल के बराबर इसकी पोटेंसी है। तो देखो Na2 और Cl, अब 2 Cl है तो Cl2, तो ये बन जाएगा 2NaCl, बन गया, ये Na2 है और Cl2 है, NaCl बन गया प्लस, अब ये 2H हैं तो 2H तो H2 और ये CO3 बचा तो H2CO3 को हम दोबारा से तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, ये H2O प्लस H2O और CO2 गैस है, हो जाएगी पानी बन जाएगा, ये पानी में क्या डिजोल्व हो जाएगा, NaCl, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब हमें ये समझ में क्या, इसमें इसकी क्वांटिटी हम दोनों की चेक करेंगे किस, अरे वॉल्यूम चेक नहीं करेंगे, पिपेट में, हाँ तो पिपेट से पता चल जाएगा कितनी क्वांटिटी यूज हुई इसको न्यूट्रलाइज करने में, है ना, इसकी कितनी क्वांटिटी यूज हुई इसको न्यूट्रलाइज करने में। इंडिकेटर हम इसमें यूज करेंगे MR मिथाइल रेड, लाल पीला, ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ रहा है आपको। अगर इंडिकेटर वाली वीडियो नहीं देखी हो तो पहले देख लेना वीडियो, पहले इंडिकेटर की वीडियो देख लेना और फिर हाँ ये वीडियो देख लेना, MR समझ में आएगा मिथाइल रेड होता है। अच्छा अब इसमें हम थोड़ा सा देखते हैं कैलकुलेशन में, कि 1 मोल कौन Na2CO3 इज इक्विवेलेंट टू 2 मोल, 1 मोल 2 मोल ऑफ HCl, है ना, या ऐसा बोल दो कि 1 मोल Na2CO3, अब 2 मोल्स ऑफ HCl, या इसको हम ऐसा लिख लें कि देखो 1 मोलर अगर हम बनाते तो 1 मोलर में हमने क्या किया था, 1 मोलर में 1000 सॉल्यूशन बनाया था, और 2 मोल बनाएंगे तो 2000, है ना, अरे 2 मोलर बनाएंगे तो कितना होगा, 1 मोलर बनाया तो सॉल्यूट का अमाउंट डिसॉल्व किसमें किया 1000 में, और 2 मोलर बनाएंगे तो क्वांटिटी दुगनी कर दो, है ना, तो 2 मोलर, ठीक है, 2000 ml सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर, 1 मोल, है ना, HCl, ठीक। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट लिख लेते हैं अपने, इसमें मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 106, ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया हमने 2 से तो ये हो गया 53, ठीक, तो ये हो गया 1000 ml 1 मोलर सॉल्यूशन, और 1000 को अगर पर ml में हम देखें तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.053 ग्राम पर ml, है ना, या पर ml 1 मोलर HCl।
इसकी ये क्वांटिटी से हमें ये पता चल जाएगा कि 0.5 ग्राम यूज हुआ है क्या Na2CO3 किसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, 1 मोलर HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज किए हैं यहाँ। तो इसका आधा कर दिया हमने, देखो यहाँ पे इसका आधा कर दिया हमने। आधा क्यों कर दिया, क्योंकि ये अगर HCl को हम देखेंगे HCl को तो 1 मोल है ना HCl, तो हाँ इसलिए हमने इसको आधा कर दिया। अब 0.01 मोलर HCl देखेंगे तो इसकी क्वांटिटी, इसको एक बार और 10 से डिवाइड कर देंगे, देखा कम बची है, ठीक है ये हो जाएगा 0.01 मोलर HCl। इसकी क्वांटिटी में क्या हो जाएगा 0.0053 ग्राम, इतनी क्वांटिटी 0.00053 ग्राम क्या Na2CO3 ठीक है इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 0.1 मोलर HCl, है ना। इतनी क्वांटिटी में ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, अगर ये न्यूट्रलाइज हो रहा है इतनी क्वांटिटी में, मतलब ये 0.01 मोलर है जो आपने बनाया है वो सही है। अगर इतनी क्वांटिटी नहीं लग रही है और पहले न्यूट्रलाइज हो जा रहा है, मतलब इसकी क्वांटिटी, इसकी कंसंट्रेशन कम है और इससे ज्यादा लग रही है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, बस इतनी सी बात।